हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर सिक्स जिसका नाम है बारोग्राफ्स ये करने वाले हैं मैं इसका आपको आज प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट एटीन कराने वाला हूँ ठीक है इसमें जितने भी क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे लेकिन ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये स्टार्ट करने से पहले पहले आपको सीखना होगा कि बारोग्राफ होता क्या है उसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं उसकी वैल्यूज़ को हम पढ़ते कैसे हैं कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी ठीक है देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है यहां पर देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल से आपको नहीं समझाऊंगा क्यों क्योंकि देखो ये एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपको ये टीचर स्कूल में कराएगी आप वहां से समझ लेना मैं आपको एकदम इजी तरीके से समझाता हूँ कि बार ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं उस पर वैल्यूज कैसे पुट करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है यहां पर देखो सबसे पहले देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये ग्राफ बुक चाहिए आपको पता ही होगा आपके टीचर ने बताया होगा ठीक है ये हमें ग्राफ बुक चाहिए हम ग्राफ इस पर ही ड्रॉ करते हैं ठीक है नोटबुक में नहीं हम ड्रॉ करेंगे ये ग्राफ बुक पर क्लियर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा नाम है यहाँ पर इन इन लोग के पास कितनी चॉकलेट्स है वो लिखा है सबसे पहले राज है राज के पास कितनी चॉकलेट है पांच गणेश गणेश के पास कितनी चॉकलेट है दस प्रतीक प्रतीक के पास कितनी चॉकलेट है बीस और राम राम के पास कितनी है पांच इन सारे लोगों के पास इतनी इतनी चॉकलेट है अब अगर हमें इसे अपने ग्राफ पे दिखाना है यहाँ ग्राफ पे दिखाना है कि किसके पास कितनी चॉकलेट है तो हम कैसे यहाँ पर दिखाएंगे मैं आपको बताता हूँ पहले आप स्केल लो और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एक लाइन देखो इस तरीके से हम थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देनी है लाइन ठीक है यहां तक देखो नीचे तक मैंने लिया है अब यहां से हम ड्रॉ कर देते हैं ये साइड ठीक है देखो ऐसे दो लाइन ड्रॉ किया अब मैं आपको बताता हूं ये जो हमारी लाइन गई है इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस क्या बोलते हैं ये जो सीधी लाइन है स्ट्रेट वाली इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं ठीक है तो इसको हम नाम दे देते हैं यहां पे आप एरो बनाओ सब सारी जगह पर पहले बनाने के बाद ये वाली हमारी लाइन है y एक्सिस ठीक है तो इसको हम नाम दे देते हैं y और जो ये वाली हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम बोलते हैं x एक्सिस तो वहाँ पे आप x लिख दो और जहाँ पे दोनों लाइन आकर मिल रही है उसको हम बोलते हैं ओ ठीक है यहाँ पे आप ओ डाल दो ओके अभी देखो हम वैल्यूज कैसे पुट करते हैं अब देखो जो हमारी वैल्यूज रहती है ना वो y एक्सिस पे रहती है वर्टिकल लाइन पे ठीक है इस पर हमारी वैल्यूज रहती है और ये वाली लाइन एक्स पे हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है समझ लो राम के पास कितनी चॉकलेट है हम ये सीधे ऐसे ये वाली लाइन पर डालेंगे और ये वाली लाइन के नीचे जो हम लिखेंगे वो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि राम यहाँ पर उसके पास इतनी चॉकलेट है फिर राज उसके पास इतनी चॉकलेट है फिर उसके बाद गणेश उसके पास इतनी चॉकलेट है ऐसे हम लिखेंगे ओके तो हम कैसे लिखेंगे हम देखो अभी एक बात आपको ध्यान रखना है ये चीज़ ठीक है यहाँ पर देखो आपको कभी भी ना एक बॉक्स में एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ती है ठीक है अगर देखो हम इसको ये जो हमारी वैल्यूज है इसको पुट कर रहे हैं कैसे हम पुट करते हैं हम क्या लेंगे देखो ये जो आपको स्क्वायर वाला बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर में देखो ऐसे स्क्वायर में तो हम लेंगे कि ये जो एक स्क्वायर है इज इक्वल टू फाइव चॉकलेट मतलब अगर हमने ये एक स्क्वायर में ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइन और नीचे राम का नाम लिख दिया तो मतलब राम के पास पांच चॉकलेट है क्योंकि हम क्या लेने वाले हैं एक ये बॉक्स जो है हमारा स्क्वायर वाला इज इक्वल टू फाइव चॉकलेट कैसे देखो यहां पर आप वैल्यूज़ यहां पर आप पुट करते हो यहां पर स्केल ऑन वाई एक्सिस मतलब कि ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस इस पर हम क्या ले रहे हैं वन यूनिट इज इक्वल टू फाइव चॉकलेट क्या हमने लिया हमने ये लिया कि वन यूनिट मतलब ये स्क्वायर वाला जो बॉक्स है एक बॉक्स को हमने लिया है पांच चॉकलेट ठीक है क्या हमने लिया वन बॉक्स इज इक्वल टू पांच चॉकलेट तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है उसके बाद हम सारे बच्चे के पास कितनी चॉकलेट थी वो यहां पर दिखाएंगे हमने क्या लिया है देखो ये एक बॉक्स मतलब कितनी पांच चॉकलेट तो आप यहां पे फाइव लिख दो यहाँ पे यहां पे दूसरा बॉक्स आएगा ये एक बॉक्स हुआ दो बॉक्स तो दो बॉक्स मिलके कितनी चॉकलेट होगी दस चॉकलेट तो यहां पे आप टेन डाल दो उसके बाद तीसरा तो फिफ्टीन चौथा ट्वेंटी उसके बाद पांचवा ट्वेंटी फाइव फिर थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी इस तरीके से हम हमारी जो वैल्यूज के लिए वाई एक्सिस पे ऐसे पुट करते हैं ठीक है एक बॉक्स का हमने लिया कितना पांच चॉकलेट तो वही दो बॉक्स हो गए साथ में तो दस हो गया ना यहाँ पे हमने दस डाला तीन बॉक्स साथ में तो पंद्रह हो गया तो यहाँ पे हमने पंद्रह डाला चार बॉक्स साथ में तो यहाँ पे ट्वेंटी डाल दिया तो ऐसे ही हमने किया है अब देखो ये जो वैल्यूज़ है ना ये ये सारी फाइव टेन ट्वेंटी फाइव ये हम ऐसे ही यहाँ पर पुट करने वाले हैं देखो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया तो अपनी वैल्यूज तो यहाँ पर आप लिख दो ये है हमारे नंबर ऑफ चॉकलेट आप यहाँ पर लिख दो ये हमारे हैं नंबर नंबर ऑफ चॉकलेट ठीक है number, number ये हमारे नंबर ऑफ चॉकलेट है कि कितने चॉकलेट है ये और यहां पर जो हमारा आएगा नेम आएगा क्या नेम ऑफ चिल्ड्रेन जो बच्चे लोग रहेंगे ठीक है यहां पे हमारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन आती है तो बच्चे लोग की इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी और उनके पास कितनी चॉकलेट थी वो यहां पर ये वाली लाइन पे आएगी सीधी वाली लाइन पे सबसे पहले कौन है सबसे पहले है राज राज के पास कितनी चॉकलेट पांच ठीक है तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं राज का नाम राज राज के पास पांच चॉकलेट हम यहां पर देख सकते हैं तो कितने बॉक्स ड्रॉ करोगे राज के नाम के ऊपर एक बॉक्स ना क्योंकि एक बॉक्स इज इक्वल टू फाइव चॉकलेट तो हम यहां पर एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे इसे ठीक है एक बॉक्स मतलब पांच चॉकलेट एक बॉक्स आप इसको अंदर लाइन लाइन बना दो या तो आप इस तरीके से शेडिंग कर दो ऐसे अच्छ, अच्छे से मालूम पड़ता है ठीक है आप शेडिंग कर दो या तो लाइन बना दो हो गया राज का राज के पास पांच चॉकलेट है यह हमें मालूम पड़ा अब उसके बाद गणेश गणेश के पास कितनी चॉकलेट है दस तो कैसे हम करेंगे मैं आपको बताता हूं आगे आ गया जाओ आप यहां पर लिखो गणेश गणेश के पास है दस चॉकलेट तो हमें कितने बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे एक बॉक्स में पांच चॉकलेट हमने लिया है कि एक बॉक्स में पांच चॉकलेट है तो देखो दो बॉक्स में दस चॉकलेट होगी यहां पर दिख रहे हो आपने दो बॉक्स लिए दस चॉकलेट यहां पर हो रही है तो गणेश के नाम के ऊपर हमें दो दो बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप यहां पर इस तरीके से दो बॉक्स ड्रॉ कर दो ओके इसको आप चाहे शेड कर दो या तो इसे अंदर लाइन लाइन बना दो हम चलो शेड ही कर देते हैं इसे तो हमने यहां पर गणेश के जो भी गणेश के पास चॉकलेट थी वो भी यहां पर बता दिया है कितनी थी अब क्या है अब है प्रतीक प्रतीक के पास कितनी चॉकलेट है बीस तो वो हम यहां पर कैसे दिखाएंगे अब हम लिखते हैं अगला नाम प्रतीक का यहां पर प्रतीक प्रतीक के पास बीस चॉकलेट है एक बॉक्स में हमारी पांच चॉकलेट है ठीक है दो बॉक्स में हमारी दस है देखो यहां पे हमने वैल्यूज पुट किया आप डायरेक्ट यहां से देख के ना बना सकते हो बॉक्स बीस चॉकलेट मतलब कि ये वाली लाइन पे हमें ड्रॉ करना है देखो बीस चॉकलेट यहां तक आ रही है ठीक है लेकिन मैं आपके समझने के लिए बताता हूं एक बॉक्स पांच चॉकलेट पांच पांच दो बॉक्स मिलकर दस चॉकलेट हो गया पांच पांच और पांच तीन बॉक्स लिए तो कितना हो गया पंद्रह चॉकलेट अभी भी पंद्रह हुआ प्रतीक के पास बीस है तो एक और बॉक्स लेते हैं पंद्रह प्लस पांच कितना हो जाएगा बीस तो मतलब प्रतीक के पास बीस चॉकलेट तो हमें यहाँ तक ड्रा करना पड़ेगा देखो हमने यहाँ तक लिया था ना कि बीस चॉकलेट कहाँ तक आ रही है यहाँ तक तो हमें ये यह बॉक्स यहाँ तक ड्रा करना है तो चलो ड्रॉ कर देते हैं अपना बार ये हमने बार यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है ओके अब इसको हम कलर कर देते हैं शेड कर देते हैं आप जैसे चाहो लाइन लाइन बना दो या तो शेडिंग ही कर दो जैसे आपको सही लगे ओके अच्छे से इसको शेड करना मैंने अच्छे से भी किया नहीं है आपको अच्छे से कर देना है ठीक है हमने देख लिया प्रतीक का अब कौन आगे आ गया रहा है अब है राम राम के पास कितनी चॉकलेट है पांच पांच चॉकलेट वापिस राम के पास है तो मतलब गणेश सॉरी राज के पास भी पांच चॉकलेट है और राम के पास भी पांच चॉकलेट है तो हम सेम दोनों का बनाने वाले हैं क्योंकि राम और राज के पास सेम चॉकलेट है तो एक ही बॉक्स राम के ऊपर आएगा कि एक बॉक्स इज इक्वल टू पांच चॉकलेट इसको हम कलर कर देते हैं ओके कुछ इस तरीके से देखो किस तरीके से आपने यहां पर दिखाया ये जो हमें यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है और जो यहां पे हमें वैल्यूज दी गई है उसको आपने ग्राफ पे किस तरीके से दिखाया समझे आप पहले आपने वाई एक्सिस को ड्रॉ किया जिस पे हमारी वैल्यूज रहती है उसके बाद आपने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया जिस पर हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी और उसके बाद हमने क्या किया हमने स्केल लिया स्केल एक यूनिट मतलब ये जो एक बॉक्स है अगर एक बॉक्स में हम ड्रॉ करेंगे तो मतलब पांच चॉकलेट उस बच्चे के पास ठीक है तो इसके लिए हमने एक बॉक्स पांच चॉकलेट दो बॉक्स दस चॉकलेट तीन बॉक्स पंद्रह चार बॉक्स बीस पांच बॉक्स पच्चीस ऐसे करके हमने यहां पर लिखा ठीक है लिखने के बाद हमने यहां पर लिख दिया कि यहां पर नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है वो ये दिया हुआ है और यहाँ पे नेम ऑफ चिल्ड्रेन जो है जो बच्चे हैं उनका नाम हमने यहां पर दिया है राज लिखे राज के पास पांच चॉकलेट है इसके लिए हमने ये फाइव यहां तक बॉक्स ड्रॉ किया गणेश गणेश के पास कितनी चॉकलेट थी दस इसके लिए हमने टेन यहां तक इस बॉक्स को ड्रॉ किया उसके बाद प्रतीक 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 के पास कितनी चॉकलेट थी बीस इसके लिए हमने ये देखो बीस यहां तक हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया उसके बाद क्या राम राम के पास वापस पांच चॉकलेट थी इसके लिए राज और राम का सेम फाइव तक ही आएगा राम के पास कितनी थी पांच पांच चॉकलेट थी ओके आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे यहां पे वैल्यूज पुट करनी है ठीक है चलो अभी हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट एटीन पर जो एकदम ईजी है क्योंकि अगर आपको यह समझ गया है, तो वो भी अच्छे से समझ जाएगा देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर पहला क्वेश्चन क्या आपका दिस शोज मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज ऑन अ सर्टेन डे इन फेब्रुवरी क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो हमारा ये बार ग्राफ दिख रहा है ये आपको बार बारग्राफ जो दिख रहा है इसमें तापमान दिखाया गया है अलग अलग शहरों का डिग्री सेल्सियस में ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे दिखाया गया है ओके आगे क्या ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बोले ये ग्राफ को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन के आंसर दो सबसे पहले देखो हमारी वैल्यूज यहाँ पर रहती है ठीक है तो देखो इन्होंने क्या लिया है इन्होंने लिया ऑन वाई एक्सिस मतलब ये वाले पे वन यूनिट मतलब एक बॉक्स इज इक्वल टू फाइव डिग्री सेल्सियस कितना लिया है इन्होंने पाँच डिग्री एक बॉक्स मतलब पाँच डिग्री इसके लिए देखो इन्होंने एक बॉक्स का पाँच डिग्री लिया दो बॉक्स का दस तीन बॉक्स का पंद्रह उसके बाद चार बॉक्स का बीस चार बॉक्स का बीस और पांच बॉक्स में कितने हो जाएंगे पच्चीस डिग्री सेल्सियस और छह बॉक्स में थर्टी डिग्री सेल्सियस और उसके बाद सात बॉक्स में थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में ठीक है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है सब और यहाँ पे सिटीज़ शहर के जो नाम है पहले क्या आपका पंचगनी है फिर पुणे है फिर चंद्रपुर चंद्रपुर है फिर माथेरान है फिर नासिक है ये अलग अलग शहर है ओके सबसे पहले पंचगनी का एक टेम्परेचर कितना है देखो कहाँ तक गया है इसका ये बार देखो पच्चीस मतलब ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है पंचगनी का टेम्परेचर पुणे का कितना टेम्परेचर है देखो ये ग्राफ कहाँ तक गया है आपका बार ये थर्टी तक गया है मतलब पुणे में तीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके बाद हमारा चंद्रपुर कहाँ तक गया है देखो थर्टी तक देखो थर्टी तो मतलब इसका टेम्परेचर है पैंतीस डिग्री सेल्सियस

समझ गया आपको कि कैसे बारग्राफ वैल्यूज दी गई है हमारी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या है? खड़ी हॉरिजॉन्टल मतलब सोई हुई लाइन आप बोल सकते हो, तो ये जो वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हमें क्या डेटा क्या इंफॉर्मेशन क्या जानकारी दी गई है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे आप देखो आपको दिख रहे है? देखो ये स्क्रीन पे है इस तरीके से आपको लिखना है क्या लिखूंगा मतलब तापमान दिखाए गए हैं और उसके आगे नेम्स ऑफ सिटीज आर शोन ऑन दॉरिजोन लाइन और शहरों के नाम हमारे जो हॉरिजोनटल लाइन है जो ये सोई हुई लाइन है उस पर दिखाया गया है ठीक है क्लियर समझ गया आप क्या हमने लिखा है कि ये खड़ी वाली लाइन पे हमें तापमान दिखाया गया है टेम्परेचर और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हमें शहरों के नाम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर क्या है विच सिटी हैड है हाईस्ट टेम्परेचर क्या बोल रहे आपको कि इनमें से ये सारे जो शहर हैं सबसे ज्यादा तापमान किसका है तो ये अगर हमें जानना है तो देखना पड़ेगा जो बार ये ड्रॉ किया जो बार सारे हैं सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा है चंद्रापुर देखो सबसे बड़ा है इससे बड़ा कोई भी नहीं है ओके okay? तो मतलब चंद्रपुर में सबसे ज्यादा तापमान है कितना है पैंतीस डिग्री सेल्सियस तो आप एंसर में कैसे लिखोगे देखो आंसर ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो क्या लिखोगे आप इसमें आप लिखोगे चंद्रपुर हैड द हाईएस्ट मतलब कि चंद्रपुर जो है उसमें उसका चंद्रपुरचर सबसे ज्यादा है उसका तापमान सबसे ज्यादा है थर्ड क्वेश्चन क्या अभी देखो आपको थर्ड में विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर क्या यहां पर बोल रहे हैं कि कौन से शहर है जिनका तापमान बराबर है एक समान है अभी देखो जब भी हम देख रहे थे अपना ये डेटा हम ये देख रहे थे, हमें क्या मालूम पड़ा था? कि और ये दोनों का सेम तापमान और ना दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं इसका पच्चीस डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके तो आप आंसर कैसे लिखोगे आप इसका इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर

तो हम अगर देखेंगे इस पर अपने ग्राफ पे हमें दो शहर दिखे थे एक तो पुणे देखो 30 डिग्री तीस डिग्री सेल्सियस है और आगे बढ़ोगे, तीस पे दूसरा कौन सा आ रहा है? ये का है, 30 डिग्री से आप पुणे एंड मतलब है पुणे और नासिक का जो टेम्परेचर है जो तापमान है वो तीस डिग्री सेल्सियस है ओके अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस प्रैक्टिस सेट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो पंचगनी और जो चंद्रपुर का टेम्परेचर है ये दोनों शहर का इनमें डिफरेंस क्या है इनमें अंतर क्या है तो ये अगर हमें जानना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा चंद्रपुर से चंद्रगनी को माइनस करना प... सॉरी चंद्रपुर से पंचगनी को माइनस करना पड़ेगा उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है तो आप पहले कैसे लिखोगे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से आप लिख दोगे क्या लिखोगे पहले द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ पंचगनी वाज 25 डिग्री सेल्सियस मतलब जो हमारा पंचगनी का तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस उसके आगे द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ चंद्रपुर वाज 35 डिग्री सेल्सियस मतलब कि हमारा चंद्रपुर का टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस है अब हमें डिफरेंस बताना है तो हम क्या लिखेंगे the difference in the temperature of these two cities, क्या क्या आप आप कैसे लिखोगे? उसके आगे आप क्या करोगे? 35 degree Celsius minus 25 degree Celsius. तो थर्टी फाइव में से आप ट्वेंटी फाइव को माइनस करोगे कितना बचेगा बताओ पैंतीस में से पच्चीस को निकालोगे कितना बचेगा दस तो आपका आंसर रहेगा टेन डिग्री सेल्सियस ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ओके okay? क्लियर तो यहां पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको बार ग्राफ को ड्रॉ करना है कैसे उसके वैल्यूज रीड करनी है आपको सब क्लियर हो गया होगा आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए मिलते हैं अभी अगले वीडियो में जो मैं आपको कल दे दूंगा या तो आज ही अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस सेट नाइनटीन तो तब तक, तक के लिए गुड बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू